तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं लो बजट स्मार्ट वॉचेस की। एक है ज़ेब्रोनिक्स 2220CH, अभी एक राउंड शेप की ज़ेब्रोनिक्स की पहली स्मार्ट वॉच जो आई है मार्केट में। उसके बाद है बोट वॉच फ्लैश और बोट एक्सप्लोरर। इन तीनों का ज़बरदस्त कंपैरिजन होने वाला है, तो आपको बताएंगे कौन सी वॉच लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों यार चैनल को एक साल होने वाला है, अगले महीने एक साल हो जाएगा यार, प्लीज़ 10,000 सब्सक्राइबर तो करा दो। अभी भी इतना दूर हूँ मैं टारगेट से, वरना ये शेयर है ना सिंगम खा जाएगा आप लोगों को। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए चैनल को करिए। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बड़े दिन से करने सोचा था यार, आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं और मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट चुनने में, आपकी गाइड करता हूँ कि आप अपनी फेवरेट स्मार्ट वॉच को चुन पाते, तो प्लीज़ उसको यार मेरे लिंक से ही लिया करो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक होता है, वहाँ से बाय करेंगे, मेरे पास भी कुछ पैसा आएगा, उसी पैसे से मैं और आपके लिए स्मार्ट वॉचेस खरीद के उनकी डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग करके आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। अभी देखिए लो बजट सेगमेंट तक ही अपने आप को सीमित रखा है, तो जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए यार, हम हाई बजट सेगमेंट की भी वॉचेस खरीदेंगे और आपके सामने सारे के सारे अच्छे एक्यूरेसी वाले वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहले प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो ज़ेब्रोनिक्स आ रही है ब्लैक कलर 2999 में, और गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस आ रहा था 2800 आ रहा था, आप ज़रूर चेक कर लें खरीदने से पहले, प्राइसेस जो है चेंज होते रहते हैं, अभी यही प्राइस था। बोट एक्सप्लोरर जो है 2999 में आ रही है, और आई थिंक इसका सुना है प्राइस बढ़ने वाला है, और बोट फ्लैश जो है 2499 में है। कलर्स की बात करते हैं तो तीनों ही वॉचेस में आपको मल्टीपल कलर अवेलेबल हैं। ज़ेब्रोनिक्स में आपको डायल और जो स्ट्रैप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है अलग अलग कलर्स का देखने में, जिससे लुक्स काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, जबकि बोट की दोनों वॉचेज़ में ड्यूअल कलर कॉम्बिनेशन वाले स्ट्रैप्स आपको देखने को मिलते हैं बेटर लुक्स के लिए। कंपैटिबिलिटी में तीनों ही वॉचेस एंड्रॉयड और आईओएस को सपोर्ट करती है। स्क्रीन साइज तीनों का ही 1.30 इंचेस है, तो इसमें जो दोस्तों राउंड शेप वाली जो वॉच है उसका 1.30 इंचेस आपको फिर भी बड़ा लगेगा देखने में, लेकिन स्क्वायर वाली में छोटा लगता है वो। बॉडी टाइप की बात करते हैं, ज़ेब्रोनिक्स और एक्सप्लोरर है पॉलीकार्बोनेट में, जो बोट फ्लैश जो है मेटल केस में आ रही है, साथ में पॉलीकार्बोनेट की बैक है। डिस्प्ले में आपको ज़ेब्रोनिक्स और एक्सप्लोरर मिल रही हैं TFT डिस्प्ले के साथ, 240x240 पिक्सल रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, कर्व 2.5D स्क्रीन भी लगी हुई है, वहीं पर LCD डिस्प्ले आपको लगा मिल रहा है बोट फ्लैश में, तो यहाँ क्वालिटी थोड़ी सी लो देखने को मिलती है। स्किन प्रोटेक्शन तीनों ही वॉचेस स्पेसिफाई नहीं किया यार, इतने लो बजट में गोरिल्ला ग्लास मिलना बहुत ही मुश्किल है। स्ट्रैप की बात करते हैं तो ज़ेब्रोनिक्स में है TPU, बोट की दोनों वॉचेस में आपको ड्यूअल कलर सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल है डालने में। TPU जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जो कुछ टाइम बाद इरिटेट करने लग जाता है स्किन को। वेट की बात करते हैं, ज़ेब्रोनिक्स है 43 ग्राम्स, एक्सप्लोरर 36 और फ्लैश जो है 33 ग्राम्स। उसके बाद बात करते हैं नोटिफिकेशंस की, तो तीनों ही वॉचेस में आपको इनकमिंग कॉल SMS व्हाट्सएप फेसबुक एंड अदर एप्लीकेशंस के देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लोरर में थे बहुत ही लिमिटेड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, तकरीबन 5-6 ऐप्स के जो आपके काम के होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, जीमेल वगैरह का, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। जबकि ज़ेब्रोनिक्स में आपको थर्ड पार्टी ऐप्स जो जितनी भी होती हैं उनके भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल कंट्रोल में ज़ेब्रोनिक्स और बोट फ्लैश में दोनों में ही आपको म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल दोनों देखने को मिलते हैं, जबकि एक्सप्लोरर जो कि एक रीब्रांडेड वर्जन है थोड़ा सा अपडेट करके जो बोट स्टॉर्म को निकाला गया है, इसमें सिर्फ आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है। कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं तो आप तीनों में कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन ज़ेब्रोनिक्स और फ्लैश में है लेटेस्ट 5.0, जबकि एक्सप्लोरर में है 4.2। फिर बात करते हैं चार्जिंग टाइप की, तो तीनों में ही आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिल रही है, पोगो पिन चार्जिंग का सपोर्ट है। बैटरी बैकअप तीनों में ही लगभग 200 से 210 mAh की बैटरी है, तो आपको जो कंपनी तो 7 दिन का क्लेम करती है, लेकिन आप 4 दिन के आसपास का ही मान के चलिएगा। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस में ज़ेब्रोनिक्स और फ्लैश IP68 है, जो डस्ट वाटर एंड सैंड प्रूफ है। एक्सप्लोरर जो है प्योरली स्विमर्स के लिए बनी है, तो 50 मीटर तक गहरे पानी में इसको लेके जा सकते हैं, स्विमिंग के लिए आइडियल है। वॉच फेसेस ज़ेब्रोनिक्स और एक्सप्लोरर में आपको 100 से ज़्यादा वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे ऐप के थ्रू, साथ में कस्टमाइज्ड वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जबकि बोट फ्लैश में भी आपको मल्टीपल वॉच फेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर ये दोनों ही मिलते हैं ज़ेब्रोनिक्स में, बोट फ्लैश में सिर्फ मिलता है SpO2, और एक्सप्लोरर में तो यार दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो समझ नहीं आता आज के ज़माने में, तो यार SpO2 तो बहुत रिक्वायर्ड फीचर है, वो तो चाहिए ही चाहिए होता है। बिल्ट इन GPS की बात करते हैं, ज़ेब्रोनिक्स में नहीं है, एक्सप्लोरर क्योंकि प्योरली GPS के लिए निकाली गई है तो उसमें है, और बोट फ्लैश में ही आपको देखने को नहीं मिलता। स्पोर्ट्स मोड ज़ेब्रोनिक्स और एक्सप्लोरर में 8-8 हैं, जबकि फ्लैश में आपको 10 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, तो ये सारे स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मोड होते हैं दोस्तों। और एक्सप्लोरर की बात करूँ तो उसके वर्कआउट जो है GPS वाले हैं, उसके अंदर आपको लाइव राउट भी देखने को मिलता है कि आप किस रूट से जा रहे हैं। अदर फीचर और सेंसर की बात करते हैं तो ज़ेब्रोनिक्स में एक्स्ट्रा जो चीज़ मिल रही है, एक तो ब्रीथ मोड मिल रहा है, वहीं एक्सप्लोरर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, फीमेल साइकिल ट्रैकर, ब्रीथ मोड, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन भी है, रनिंग और वॉकिंग का लाइव वेदर फोरकास्ट भी देखने को मिलता है।
फ्लैश के अंदर जेस्चर कंट्रोल है, तो आप जैसे रिस्ट के मूवमेंट से सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, कैमरा शटर की ब्रीथ मोड देखने को मिलता है और एक फ्लैश लाइट है जिससे आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस इतनी बढ़ जाएगी कि वो फ्लैश लाइट की तरह काम करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी वॉच किस चीज़ में आ गया। तो पहले जेब्रोनिक्स और एक्सप्लोरर का कंपैरिजन करते हैं। तो जेब्रोनिक्स में आपको स्ट्रैप और डायल का जो मल्टी कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जो इस घड़ी को खूबसूरत बनाता है। कैमरा शटर कंट्रोल है, IP68 है, डस्ट एंड सैंड प्रूफिंग के लिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर के साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी है, लेटेस्ट 5.0 ब्लूटूथ वर्जन है। वहीं एक्सप्लोरर में आपको ड्यूल कलर का स्ट्रैप मिल रहा है अच्छे लुक्स के लिए, थोड़ी सी लाइट वेट है, बिल्ट इन GPS है जो कि इसका USP है, 5 ATMI आइडल फॉर स्विमिंग, ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन है। तो मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे देखने को नहीं मिला, काफ़ी चलने के बाद भी लाइव वेदर फोरकास्ट भी इसके अंदर आता है। अब बताते हैं जेब्रोनिक्स और बोट फ्लैश में कौन सी अच्छी है। तो जेब्रोनिक्स की जो वही है स्ट्रैप जो है डायल का मल्टी कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, जबकि फ्लैश आपको एक तो 300-400 रुपये सस्ती पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक केस है उसका, ड्यूल कलर सिलिकॉन स्ट्रैप है, ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड है और जेस्चर कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम जेब्रोनिक्स और बोट एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो दोनों में ही अपनी अपनी खास खास चीज़ें हैं, लेकिन जो एक कॉमन फीचर जो आजकल हर कोई मांगता है जैसे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, वो आपको जेब्रोनिक्स में देखने को मिल रहा है, कैमरा कंट्रोल आपको जेब्रोनिक्स में देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट ब्लूटूथ सेंसर जिससे आपका कोई कनेक्टिविटी इशू ना हो वो भी आपको जेब्रोनिक्स में देखने को मिलता है। वहीं अगर बोट एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्ट इन GPS की रिक्वायरमेंट है, और मैंने आपको जो इसका डिटेल रिव्यू दिखाया था उसमें बिल्ट इन GPS की जो एक्यूरेसी थी, GPS की एक्यूरेसी थी, उसमें थोड़ा बहुत वेरियंस देखने को मिल रहा था, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उसकी एक्यूरेसी से। तो इन दोनों में अगर बात करूँ तो चॉइस आपकी है, लुक्स दोनों ही वॉचेस की काफ़ी अच्छी है, वहाँ ब्लू स्ट्रैप मिल रहा है जिसकी लुक काफ़ी अच्छी है एक्सप्लोरर में, तो जेब्रोनिक्स ने भी जो डायल और स्ट्रैप का कॉम्बिनेशन निकाला है वो काफ़ी अच्छा निकाला है। और बात करते हैं कि अगर बोट फ्लैश के साथ मैं जेब्रोनिक्स का कंपेयर करता हूँ तो बोट फ्लैश बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल जाती है उसे, जेब्रोनिक्स की वॉच उसके आगे कहीं टिक नहीं पा रही है। अब मेन बात बताता हूँ आपको दोस्तों, कई लोग मेरे पास आते हैं कमेंट लेके जी हमारा 5000 तक का बजट है, क्या हम बोट फ्लैश ये वाली वॉचेस ले सकते हैं जेब्रोनिक्स की। मैं यही एडवाइस करूंगा, ये जितनी भी लो बजट वॉचेस हैं, मैंने बोट की भी यूज़ करके देख ली हैं, दो वॉचेस यूज़ करी हैं एनिग्मा एंड एक्सप्लोरर, जेब्रोनिक्स की मैंने 1220CH यूज़ करी है, इनकी दोस्तों लुक्स बहुत अच्छी होती है, दिखाने के लिए फीचर बहुत अच्छे होते हैं। जेब्रोनिक्स की बात करता हूँ जो भी इस वाले वीडियो की जो है 2220CH की, इसमें एक ही सेंसर लगा हुआ है पीछे, उसी से वो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करेगा, उसी से हार्ट रेट मॉनिटर करेगा, उसी से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेगा, तो आप एक्यूरेसी कहाँ से ले सकते हैं। बाकी कंपनीज हैं दो सेंसर SpO2 के लिए लगाते हैं, दो हार्ट रेट के लिए, तब भी उनकी एक्यूरेसी में 19-20 का फ़र्क हो जाता है, तो एक सिंगल सेंसर से आप कैसे ले सकते हैं। सिमिलरली बोट के साथ भी यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन वॉचेस के ऊपर जाते हैं, सबसे पहली बात अपने दिमाग से एक्यूरेसी निकाल दीजिए, हार्ट रेट की तो आपको मिल सकती है, पेडोमीटर की मिल सकती है, आप सोचें SpO2 भी एक्यूरेट मिल जाएगा, GPS भी एक्यूरेट मिल जाएगा, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो कंपनियां जो हैं 8-8, 9-9 हज़ार में GPS वाली वॉच क्यों निकलती हैं, अगर BPU Pro की बात करूँ 5000 पे वो क्यों जाते। तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच यूज़र हैं, आपको कोई सस्ती वॉच चाहिए, आपके पास बजट नहीं है, स्मार्ट वॉच पहनने का शौक है, नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए, खुलेआम इन वॉचेस के ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी मिलेगी। आप फिटनेस फ्रीक हैं, आपको हर चीज़ में एक्यूरेसी चाहिए कि नहीं यार मैं तो पैसे लगा रहा हूँ मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो सॉरी बॉस, इन वॉचेस से आप ये एक्सपेक्ट मत करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई, टी शर्ट के बारे में भी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताना, और एक और चीज़, वॉच खरीद रहे हैं मेरे वीडियो पसंद आने के बाद खरीद रहे हैं तो यार प्लीज़ मेरे लिंक से ही वॉच को परचेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बाय बाय।